Please subscribe to KidZone YouTube channel for more fun kids content. And don't forget to press the bell icon to never miss an update. तो तुम दोनों कुछ नहीं जानते ब्लैक मिरर और लॉर्ड अल्टोपो के बारे में? हाँ, मुझे और मेरे भाई को तो ये भी नहीं याद कि हम पैदा कहाँ हुए थे। ब्लैक मिरर के टीम मेंबर के साथ ऐसा ही होता है। ब्लैक मिरर किसी भी हद तक जा सकता है। हम क्रोकी के साथ साथ सारे मेकार्डमल्स को उनसे आजाद करवाएंगे। जो तुम चाहते हो मैं समझ रहा हूँ। क्या कहा तुमने? देना? मुझे वापस नहीं जाना। ये क्या कह रही हो? तो क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं? मैं तुम्हें दोस्त नहीं बनाऊंगा। लगता है ये जगह काफी अरसे से वीरान पड़ी है। ये अच्छी जगह है, हम यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। और वैसे भी अब तो लंच टाइम हो चुका है। डेबी, तुम्हें वापस ब्लैक मिरर को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। भूख लगी है, ये खा लो डेबी। वाओ, यम्मी। सही कहा। मुझे अभी नहीं खाना, मेरा पेट फुल है। आई एम सॉरी डेना, तुम मेरी वजह से कितना परेशान हुई। जैसन और उसके दोस्त हमेशा मेरे साथ रहे और जैसन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, जैसे वो अब हमारी मदद कर रहा है। मुझे ये बताओ, क्या तुम ब्लैक मिरर के साथ हो? ये स्टैचू बोल रहा है। चले जाओ यहाँ से फौरन। ओह नो, मैं पकड़ा गया। मेरा नाम स्फिंक्स है। तो तुम वो मॉडल हो जिसे 30 मेकार्डमल्स के बाद बनाया गया था। तुम्हें भी मेरे डैड ने ही क्रिएट किया है ना स्फिंक्स? ये ब्लैक मिरर से भाग कर आया है। हाँ, ये जानकर खुशी हुई। चलो ठीक है स्फिंक्स, आर यू रेडी? बिल्कुल नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। पहले मुझे तुम सबूत दो कि तुम लोग ब्लैक मिरर के साथ ही नहीं हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। जाहिर है ये हम पर ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, हम तुम्हें वाकई विलन लग रहे हैं? हाँ, आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया कि हम तुम्हें दुश्मन लग रहे हैं? ये उनके साथ नहीं है, मैं हूँ इसका सबूत। काफी फनी जोक था। मुझे उन लोगों से नफरत है जो अपनी टीम से वफादार नहीं होते। हम इसे जबरदस्ती टेम नहीं कर सकते। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे बदतमीज मेकार्डमल को कभी नहीं रखता। वैसे भी हमारा एक मेकार्डमल वेंडाइन के पास है। ये ब्लैक मिरर की टीम का हिस्सा तो नहीं है? क्योंकि वही एक वाहिद जरिया है जिससे इस मेकार्डमल को रियलाइज हो सकता है कि हम ब्लैक मिरर के दुश्मन हैं। मेरे ख्याल से रायन की बात में कुछ दम है। प्लीज हेल्प। ओह, लगता है किसी को मदद चाहिए। प्लीज मेरी मदद करो, ब्लैक मिरर के अल्टोपो ने मुझे पकड़ लिया है। रुक जाओ। जाओ। कौन हो तुम? अब तैयार हो जाओ, तुम्हारा मुकाबला रेड हॉल के हीरोज रायन और जेसन से है। क्या ये काम कर जाएगा? पता नहीं, लेकिन हमें उसे यकीन दिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, तो शायद उसे यकीन आ जाए कि हम उसके खिलाफ हैं। हम में से किसी एक को ब्लैक मिरर के अल्टोपो की एक्टिंग करनी पड़ेगी। मैं करूँगा, आखिरकार ये आइडिया भी तो मैंने ही दिया है ना। ऐसी एक्टिंग करोगे तो पकड़े जाओगे। मुझसे अच्छा विलेन कोई नहीं बन सकता। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनने वाला। आज मैं तुम दोनों को सबक सिखा के रहूंगा। हेडलाइट ऑन करो। डेबी, किसका इंतजार कर रहे हो तुम? अब मेरे अटैक के लिए तैयार हो जाओ। अब मजा आया तुम दोनों को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अल्टोपो? सिर्फ तुम ही इतनी अहमकाना हरकत कर सकते हो। मुझे बचाने का शुक्रिया रायन। ब्लैक मिरर को अंदाजा हो गया होगा कि वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये क्या कर रहा है? ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, अब हम अपने अपने मेकार्डमल्स के साथ लड़ेंगे। मुझे नहीं पता था कि ये ड्रामा भी करना पड़ेगा, लेकिन अब अगर ऐसा है तो ठीक है। इतनी अच्छी एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी डेबी? दुनिया में जीत सिर्फ अच्छाई की होती है, तुम जरूर अपने अंजाम को पहुँचोगे। चलो ठीक है अल्टोपो, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। All right, Stronghorn, let's fight together! Mat pukar do, Kangchi! Destroy them, Bugan! फाइट होगी या नहीं होगी मुझे कुछ नहीं मालूम। जो भी हो, लेकिन ये सब कुछ प्लान का हिस्सा नहीं था। अब आगे क्या करें समझ नहीं आ रहा। नहीं रायन, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब आगे हम क्या करें डेबी? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, लेकिन एक गुड फाइट के लिए। ये क्या कर रहा है जेसन? क्या ये मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है? शायद दोस्ती का सोचना पड़ेगा अब। ये लड़ाई देखने वाली होगी। ओके स्ट्रॉन्गहॉर्न, पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्गहॉर्न टेम्पल, बुगन, इन सब का भुर्ता बना दो जाके। खा दो अपनी पावर, ब्लेजिंग फायर।
ये तो ट्विन्स का रिटायर्ड पावर है। अच्छा मेरी बारी। ये गलत अटैक था डीना, हमें फाइट फाइट करनी थी। ये आया दूसरा अटैक। ये मुझसे क्या करवाया जा रहा है? तुम इस तरह के स्टूपिड अटैक्स करके इन्हें कंफ्यूज करना चाह रहे हो। तो कैसे लगे हमारे अटैक? मेरे पास एक पावर है। कहाँ गई? ये लोग इस फाइट को एंजॉय कर रहे हैं। अब कौन सा अटैक करना है मुझे पता है। अच्छा अब मेरी पावर देखो। अब इसे खत्म करते हैं। नहीं प्रिंस को, ये मेरी लास्ट मूव है। बात कहूँ, मुझे तो लग रहा था मैं सच में फाइट कर रहा हूँ। हे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? ओ हाँ मैं भूल गया था। बहुत फनी फाइट थी। हसस के सस्पेंशन में दर्द हो गया। ऑफ कोर्स मैं जानता था, लेकिन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। हमने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके जेसन, तुम मुझे टेम कर सकते हो। एक न्यू मकाडमल हमारी टीम में शामिल हो गया। मैंने तुम्हारी मदद की। और मैंने भी। मतलब तुमने अभी ब्लैक मिरर को हारने दिया, जबकि तुम खुद ब्लैक मिरर का हिस्सा थे। पुराने लोग कहा करते थे कि अच्छे काम के लिए झूठ कहना झूठ नहीं होता। हे, मैं झूठ नहीं बोलता। और मैं भी नहीं। Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update.